क्लोन ऐप है वो क्रैश हो रहा है। आपने इंस्टा क्लोन बनाया है या फिर स्नैपचैट का बनाया है या व्हाट्सएप का बनाया है, किसी का भी आपने क्लोन बनाया है, वो ऑटोमेटिक है क्रैश हो जाता है क्लोन ऐप। तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं आपकी नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अपने क्लोन बना लेता हूँ, जैसे कि ये देखो इंस्टाग्राम रहा, इसका मैं क्लोन बनाऊँगा। तो मैं सेटिंग पे जाऊँगा, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ऐप मैनेजमेंट या जहाँ पर भी आपके ऐप हों वहाँ पे चले जाना है, जहाँ पे ये ऐप क्लोन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। आपको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने ये देखो क्रिएटिंग ऐप क्लोन ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से बैक जाऊँगा, ये देख सकते हैं अब ये क्रैश हो रहा होगा आपका ऐप। तो क्रैश होने के कारण मैं आपको बताऊंगा क्या होता है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो क्लोन ऐप है उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो मेन ऐप है उसे सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपडेट कीजिए। क्या करना है आपको, अपडेट करना है जो मेन ऐप है। तो यहाँ पर आप डालेंगे इंस्टाग्राम, यहाँ आप जब इंस्टाग्राम डालेंगे इस तरीके से तो इसी सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट करना है इंस्टाग्राम को या फिर जो भी ऐप है जो क्लोन बना रहे हैं उसको आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद देखो आपको क्या करना है, तो जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में और यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट पे अगर आपका अपडेट है ऑलरेडी, अपडेट के लिए नहीं बोल रहा है तो आपको ये काम करना है, ऐप लिस्ट पर जाना है और यहाँ पर एक सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है जो भी ऐप है जो क्रैश हो रहा है उसका नाम, जैसे इंस्टाग्राम ही क्रैश हो रहा है चलो मान लेते हैं, वो से स्टॉप कीजिए, स्टॉप रिड्यूस पे क्लिक करके क्लियर कैच कीजिए और क्लियर डाटा कर दीजिए। हाँ, क्लियर डाटा करने से पहले आपको याद होना चाहिए आपका पासवर्ड इंस्टाग्राम का या फिर पासवर्ड और वहाँ पर यूज़र नेम, ठीक है, याद होना चाहिए। अगर आप व्हाट्सअप वगैरह कर रहे हैं क्लियर कैच तो उसकी चैट डिलीट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चैट को आप बैकअप लगा दीजिए चैट में, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का जो पावर वाला बटन है उसे आपको दबाना है। पावर वाला बटन दबाएंगे, फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कीजिए और स्विच ऑफ करने के बाद आप 5 मिनट बाद फिर से उसे खोलिए। उसके बाद मोबाइल की सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सर्च बार फिर से दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल की जो सिस्टम सेटिंग होती है उसे रीसेट करना होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। और यहाँ पे आप अपने फाइल मैनेजर ऐप पे क्लिक करेंगे और ऊपर फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऐप्स होते हैं फ़ोन के अंदर वो शो हो जाएंगे और जितने भी ऐप्स हो रहे हैं उनका आपको क्लियर कैच कर देना है सभी का एक एक करके इस तरीके से। तो आपकी रैम मैनेजमेंट खाली होगी, आपकी फ़ोन भी बूस्ट होगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा अबाउट फोन, अबाउट फोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्जन, वर्जन पे क्लिक करेंगे, बिल्ड नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा जो आपकी एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलेगा या फिर सर्च बार में ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पर 3-4 सेटिंग होती हैं जो आपको करनी होंगी। विंडो की सेटिंग है जैसे कि ये देखो रही, इस पर क्लिक करना 0.5 पे, आपको ये भी सिलेक्ट करनी, ये भी करनी है, ये भी करनी है, ठीक है। उसका नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो यहाँ पे एक और सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो रही डोंट कीप एक्टिविटीज ऑफ, ऑफ कर देना है, बैकग्राउंड की जो प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है, ये आपको करना है। हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपने सर्च बार पे, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल रहा है तो सबसे पहले अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे उसके बाद जो भी सिक्योरिटी पैच होंगे वो सही हो जाएंगे और ऐप क्रैश जो हो रहा है वो भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। रैम मैनेजमेंट के कारण ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपके फ़ोन की रैम थोड़ी अच्छी होगी, 4 GB होगी या फिर 8 GB, 6 GB, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी। प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए फ़ोन का। जय हिंद।